हेलो दोस्तों, कैसे हो? हम लैसे और मैसे चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें एलसीएम हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एचसीएफ पढ़ेंगे। एचसीएफ को इंग्लिश में बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। जैसे हम आपके सामने दो संख्याएं लिखते हैं, जो पहली संख्या है वह है 32 और दूसरी संख्या 40। ये दो संख्याएं हमने यहाँ पे ले ली है। अब हम 32 के फैक्टर लिखे गए, यहाँ यानी 32 के अधिकतम कितने फैक्टर हो सकते हैं। जैसे एक, दो, चार, आठ, 16 और 32। यानी 32 के अधिकतम ये फैक्टर है, यानी एक भी 32 को पूरा पूरा विभाजित कर देगा, दो से भी 32 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, इसी प्रकार चार से, 8 से, 16 से, 32 से। अब हम 40 के फैक्टर लिखते हैं। एक कोमा दो कोमा चार कोमा आठ, यानी ये संख्या 40 किस किस से विभाजित होगी? 10, 20 और 40। अब हम यहाँ पे 32 और 40 के फैक्टर लिख चुके हैं। 32 और 40 के फैक्टर लिख चुके हैं, यानी इसमें कॉमन फैक्टर चेक करते हैं हम। एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, चार इसमें भी है, चार इसमें भी है, आठ इसमें भी है, आठ इसमें भी है। यानी हम लिखते हैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर। तो जितने भी कॉमन फैक्टर है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक कोमा दो कोमा चार कोमा आठ, यहाँ पे हम पांच भी लिख सकते हैं, क्योंकि पांच से भी 40 पूरा पूरा विभाजित होता है, लेकिन पांच इसमें नहीं है, कॉमन हम नहीं ले सकते। तो ये कॉमन फैक्टर है इन दोनों में। एचसीएफ निकालते हैं जैसे हम, तो उसमें हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 8। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 8। तो जो हमारा एचसीएफ होगा, तो जो हमारा एचसीएफ होगा वो होगा 8। यानी यही इसकी डेफिनेशन है। एक संख्या 32 थी हमारे पास, एक संख्या 40 थी। अब हमने 32 के फैक्टर लिख लिए यहाँ पे, यानी 32 को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं 1, 2, 4, 8, 16, 32। इसी प्रकार 40 को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं हमने यहाँ पे लिख ली, यानी 40 के फैक्टर 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40। और इसमें कॉमन फैक्टर हमने यहाँ पे लिख लिए 1, 2, 4, 8। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो, वही हमारा एचसीएफ होगा। यानी एचसीएफ हमारा कितना होगा? 8। इसकी डेफिनेशन क्या है? बड़ी से बड़ी वह संख्या जो 32 व 40 को पूर्णतः विभाजित कर देती है, या ऐसे बोल दो, दी गई संख्याओं का एचसीएफ, दी गई संख्याओं का एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे पूरा पूरा। अब मैं आपको एचसीएफ निकालने के कुछ मेथड यहाँ पर बताऊंगा। जो हमारा पहला मेथड है वह है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हमने यहाँ पे पहली संख्या ली 576, दूसरी संख्या लिखी
360, और तीसरी संख्या हमने ली यहाँ पे 512। अब हम इनके यहाँ पे फैक्टर लिख लेते हैं, यानी 570 के फैक्टर आप, या ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 6 और गुणा 3 की पावर 2, यानी 570 के ये फैक्टर हो गए। 300 के फैक्टर लिख लेते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और गुणा 5। 512 के फैक्टर 2 की पावर 9। अब हमें तीनों संख्याओं में जो सबसे बड़ी पावर होगी, जिस संख्या की, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उठाना है हमें यहाँ से। यहाँ पे 2 की पावर 6 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 की पावर 9 है। लेकिन अब हम इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 6 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 की पावर 9 है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए जो तीनों के पास हो। यहाँ 2 की पावर 6 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 9 है। तो जो हमारा एचसीएफ होगा, जो हमारा एचसीएफ होगा वो होगा 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 इसके पास पे है, 2 की पावर 3 इसके पास पे है और 2 की पावर 3 इसके पास भी है। तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। यही हमारा एचसीएफ है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे हम एचसीएफ निकालते हैं जो सभी के पास कॉमन हो और सबसे बड़ी पावर हो, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और ये एचसीएफ हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला है। अब नंबर दो जो मेथड है हमारे पास एचसीएफ निकालने का, अब नंबर दो जो मेथड है हमारे पास एचसीएफ निकालने का वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं? जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं, 693 और दूसरी संख्या है 945। हम हमेशा ही क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं। तो हमें यहाँ पे डिवाइड कर लेना है, 693 को भाग करना है हमें 945 को। अब इस पे देखते हैं कितनी बार पढ़ा चलता है। एक बार 693 एकम 693, और यहाँ पे शेष कितना बचेगा, 2, 5, 2। फिर जिस संख्या से हम भाग कर रहे थे वह संख्या हम यहाँ पे उतार लगे, यानी 693 हम यहाँ लिख लेंगे और फिर दोबारा से भाग कर देंगे, यानी लगभग यहाँ पे 2 बार मानी चल जाएगी, 252 504 हो जाएंगे। और फिर इसमें से घटा लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 4 गए 9, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1, यानी 180 बच गए। अब दोबारा से फिर 252 को यहाँ उतार लेते हैं, 252, और ये लगभग कितनी बार कट जाएगा, 252 यानी एक बार मानी चलेगी 189, 189। यहाँ पे जो शेष बचेगा वो 12, 9, 3 और 14, यहाँ पे 6, 63 बच जाएंगे। फिर दोबारा से 189 को यहाँ पे उतार लेते हैं, ये इससे शायद पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 3 बार कट जाएगा, 3 3 9 और 3 6 18। यानी ये भाग की प्रक्रिया हमें तब तक करनी है जब तक यहाँ शेषफल 0 न आ जाए, और जो यहाँ पे संख्या बचेगी वही हमारा एचसीएफ होगा, यानी हमारा जो एचसीएफ होगा वो होगा 63। इस तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा एचसीएफ निकाल सकते हैं। वह नंबर 3 जो मेथड है वो है डिफरेंस मेथड।
ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, यानी क्वेश्चन में हमें इसी मेथड को यूज करने वाले हैं। ध्यान से समझना, डिफरेंस मेथड। इस मेथड को समझने से पहले हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई दो संख्या है, एक संख्या है 32 और दूसरी संख्या है 40। इनका हमें एचसीएफ निकालना है, और किस मेथड से? डिफरेंस मेथड से। अब मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ। 32 के फैक्टर जैसे 8 × 5, और 40 के भी फैक्टर कर लेता हूँ मैं, सॉरी यहाँ पे 8 × 4 हो जाएगा, और 40 के जो फैक्टर हो गए 8 × 5, 8 × 5 हो जाएगा। यानी इस समय क्या पता चल रहा है, यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है, और ये जो संख्याएं बच गई हमारे पास, एक तो 4 और एक यहाँ पे 5, ये दो संख्याएं, ये कैसी संख्या है? यह है सहभाज्य संख्याएं, यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर, यानी जो आपस में एक दूसरे से न कटे। तो 32 और 40 में जो संख्या आपस में कॉमन है, जैसे 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है, तो जो हमारा एचसीएफ होगा, जो हमारा एचसीएफ होगा वो होगा 8, वो होगा 8, और 4 और 5 यहाँ पे सहभाज्य संख्या है, यानी कोप्राइम नंबर। जो एक्स्ट्रा मटेरियल बचा हुआ है इसको कोप्राइम नंबर्स बोला जाता है। अब हम अपने डिफरेंस मेथड पे आते हैं। डिफरेंस मेथड इसी पर आधारित है जो मैंने अभी एग्जांपल कराया आपको। डिफरेंस मेथड, अगर मेरे पास दो संख्याएं हैं, अगर मेरे पास दो संख्याओं का एचसीएफ मान लिया, मैंने माना दो संख्याओं का, दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, क्या मान लिया मैं? दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, और वे दो संख्याएं एच एक्स और एच वाई है, एच एक्स और एच वाई है। यहाँ पे जो वाई है और यहाँ पे जो एक्स है, ये आपस में को प्राइम नंबर है, ये आपस में को प्राइम नंबर है, और जो यहाँ पे एच है और यहाँ पे भी एच है, ये आपस में कॉमन है। तो इस डिफरेंस, इन दो संख्याओं का डिफरेंस लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। इन दोनों संख्याओं को जो डिफरेंस है, यानी दो संख्या कौन कौन सी है मेरे पास, एक एच एक्स है और एक एच वाई है, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा, एच यहाँ पे बाहर कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा x-y। अब इससे आगे आपको समझना है, यानी यहां तक तो आपकी समझ में आ गया। इससे आगे यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, एक तो होगा x-y बराबर 1 के, और एक x-y बड़ा होगा 1 से। अब ये दो कंडीशन के बारे में आपको बताना है, ये दो कंडीशन क्या होगी। जब हम एचसीएफ निकाल लगे, जब हम एचसीएफ निकाल लगे, अगर दोनों संख्याओं का अंतर एक के बराबर है, अगर दोनों संख्याओं का अंतर एक के बराबर है, तो जो एचसीएफ होगा, दोनों संख्याओं का अंतर ही, दोनों संख्याओं का अंतर ही एचसीएफ के बराबर होगा। दोबारा बताता हूं मैं,
अगर दो संख्या है हमारे पास और अगर उन संख्याओं का अंतर एक के बराबर है, दोनों दोनों संख्याओं का अंतर ही एचसीएफ के बराबर होगा, एचसीएफ के बराबर होगा। और अगर दोनों संख्याओं का अंतर एक से बड़ा है, अगर दोनों संख्याओं का अंतर एक से बड़ा है, तब एचसीएफ अगर हमें निकालना होगा, तब एचसीएफ क्या होगा? दोनों संख्याओं के अंतर का एक फैक्टर होगा, फैक्टर होगा। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल देके बताया था, अगर आपके पास दो संख्याएं हैं, एक एच एक्स है और एक एच वाई है, उन दोनों का अंतर अगर 1 के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ही एच एफ के बराबर होगा। अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, पहली संख्या एच एक्स है, दूसरी संख्या एच वाई है, उन दोनों संख्याओं का अंतर अगर एक के बराबर है, तो एच एफ दोनों संख्याओं का अंतर ही एच एफ के बराबर होगा। एक से बड़ा है, अगर उन दोनों संख्याओं का अंतर एक से बड़ा है, तब एचसीएफ अगर हमें निकालना होगा, तो दोनों संख्याओं के अंतर का एक फैक्टर होगा, दोनों संख्याओं के अंतर का एक फैक्टर होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कैसे। अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक 40 है और एक 50 है, और इन दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है, इन दोनों संख्याओं को क्या निकालना है हमें? एचसीएफ। और किस मेथड से निकालेंगे हम? डिफरेंस मेथड से। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर यहाँ पे लिख लो, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस यानी अंतर यहाँ पे लिख लो, यानी 50 माइनस 40 बराबर 10, यानी यही हमारा एचसीएफ है। कैसे? देखो, एक संख्या हमारे पास 40 है, एक संख्या हमारे पास 50 है, इसके फैक्टर कर लो। इसे मैं लिख सकता हूँ 10 गुना 4, इसे मैं लिख सकता हूँ 10 गुना 5। अब इसमें 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है, यानी इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है? 10। और यहाँ पे क्या बचा? 4। और यहाँ पे क्या बचा? 5। अब इन दोनों जो ये संख्या है यहाँ पे, ये आपस में है क्या? ये है कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर। तो मैंने अभी बता, अगर दोनों संख्याओं का अंतर अगर 1 है, तो मैंने अभी बताया अगर दोनों संख्याओं का अंतर 1 है, देखो एक संख्या यहाँ पे 5 है और दूसरी संख्या 4 है, इन दोनों का अंतर किसके बराबर है? 1 के। तो फिर यहाँ पे दोनों संख्याओं का अंतर 1 के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो उसका मतलब है हमारा एचसीएफ कितना है यहाँ पे? 10। और अगर अंतर 1 से बड़ा हो, तब एचसीएफ कैसे निकालेगा? उसके लिए भी मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा। एक दूसरा एग्जांपल लिखते हैं हम यहाँ पे। एक संख्या हमारे पास 306 है और एक संख्या हमारे पास है 391। ये दो संख्या है हमारे पास और इसका हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ हम किसी विधि से निकल लगे? डिफरेंस मेथड से निकल लगे। अब इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है,
यानी जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे लिख लेना है, यानी 391 माइनस 306। तो इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो है 85 यानी 85। तो मैंने आपको बताया था जब हमारे पास दो संख्याएं दे और उसका एचसीएफ अगर हमें निकालना हो तो उन दोनों संख्याओं का अंतर ही एचसीएफ होगा, उन दोनों संख्याओं का अंतर ही एचसीएफ होगा। तो क्या 85 391 को काट देगी या फिर इन दोनों संख्या का जो डिफरेंस है वो 85 है? तो मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं का अंतर ही हमारा एचसीएफ होगा, इस अंतर से ये दोनों संख्याएं भाग करके देखते हैं क्या ये इससे 85 से पूरी पूरी विभाजित होती है या नहीं। तो 85 391 को विभाजित नहीं करती और 306 को भी विभाजित नहीं करती। अब कैसे? देखो, इस 306 और 391 को मैं लिख सकता हूँ 17 गुना 18, और इसे लिख सकता हूँ मैं 17 गुना 23। तो इसमें जो कॉमन है वो है 17, और 17 यहाँ पे भी है। तो इस मैंने बताया था जब इन दोनों संख्याओं का अंतर यानी यहाँ पे जो को प्राइम नंबर है वह है 18 और 23। को प्राइम यहाँ पे जो को प्राइम नंबर है वह 18 23 है, और 18 23 का जो अंतर है वो 1 से 18 23 का जो अंतर है वो 1 से बड़ा है। मैंने बताया था अगर दोनों संख्याओं का अंतर एक के बराबर है तो जो अंतर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा, और अगर उन दोनों संख्याओं का अंतर एक से बड़ा है तो जो दोनों संख्याओं का अंतर हमारे पास है उसका कोई फैक्टर हमारा एचसीएफ होगा। अब इसके 85 के फैक्टर कर लेते हम 17 गुना 5। 17 गुना 5, अब 5 से डिवाइड करके देखते हैं 391 को, ये से डिवाइड नहीं है तो यानी ये तो हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता, तो हमारा एचसीएफ है 17। इस तरह में निकालना है। अगर हमारे पास वो तीन संख्याएं दे दे और तीन संख्याओं का एचसीएफ अगर हमें निकालना हो, एक संख्या 42 दे दे, एक संख्या 54 दे दे और एक संख्या 150 दे दे। अब हमारे पास तीन संख्या है और तीन संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है। अब तीन संख्याओं का एचसीएफ भी हम डिफरेंस मेथड से ही निकालेंगे। तीन संख्या में आपको क्या करना है, किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर जहां पर कम से कम होगा वही उसी का अंतर हमें लेना है। यानी जैसे 42 और 54 का अंतर देख लो, और अगर हम 54 150 का अंतर देखें या फिर 42 और 150 का अंतर देखें तो बहुत ज्यादा है। यानी किन्हीं भी दो संख्याओं का डिफरेंस जहां पर मिनिमम होगा उन्हीं दोनों संख्याओं का डिफरेंस हमें लेना है। तो मैं यहाँ पे 42 और 54 का डिफरेंस लिख लेता हूँ। 42 और 54 का डिफरेंस यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा 12। यह तो 12 हमारा एचसीएफ है, और अगर हमारा 12 एचसीएफ नहीं है, हमारा 12 एचसीएफ है तो 12 से डिवाइड करके देख लेते हैं ये तीनों की तीनों संख्याएं क्या 12 से पूर्णतः विभाजित है। अगर ये तीनों की तीनों संख्याएं 12 से पूर्णतः विभाजित हो गई तो यही हमारा एचसीएफ होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका कोई फैक्टर हमारा एचसीएफ होगा। तो 12 से 42 विभाजित नहीं होती, यानी 12 हमारा एचसीएफ नहीं है। अब इसका कोई फैक्टर करके देख लेते हम, जैसे 2 गुना 6, 2 गुना 6, तो 6 से 42 भी विभाजित है, 6 से 54 भी विभाजित है और 6 से 150 भी विभाजित है।
अब आप यूं कहोगे अगर 2 से 42 भी कट जाएगा, 2 से 54 भी कट जाएगा, 2 से 150 भी कट जाएगा, लेकिन एचसीएफ में हम हाईएस्ट कॉमन पावर लेते हैं, तो जो हमारा एचसीएफ होगा वो होगा 6, यानी हमारा जो एचसीएफ होगा वो होगा 6, ये हमारा आंसर है। अगर हमारे पास 3 संख्याएं है, 323, 456 और 703, अब इन तीनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है, हमें इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। अब किन्हीं भी दो संख्याओं का डिफरेंस लेना है जहां पर अंतर कम से कम हो, तो मैं क्या करता हूँ 323 और 456 का डिफरेंस यहां पर लिख लेता हूँ, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा 133, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा 133। अब 133 से 703 पूरा पूरा नहीं कटता, यानी पूरा पूरा विभाजित नहीं होता, तो ये हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता। अब हम इसका फैक्टर कर लेते हैं, यानी अगर ये हमारा एचसीएफ नहीं है तो इसका कोई फैक्टर हमारा एचसीएफ होगा। अब मैं इसको लिख लेता हूँ 19 गुणा 7, 19 सत्ते 133 होते हैं। अब जो हमारा एचसीएफ होगा वो होगा 19, क्योंकि 703 सात से विभाजित नहीं होती, इस वजह से हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता, और 19 इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देते हैं, इसलिए हमारा जो बड़ा कॉमन फैक्टर है या गुणनखंड है वह हमारा 19, और जो हमारा एचसीएफ है। एक छोटा सा कंसेप्ट है वो भी मैं आपको यही समझा देता हूँ। अगर ए संख्या बी से विभाजित है और सी डी से विभाजित है और ई एफ से विभाजित है और जी एच से विभाजित है और हमें इनका एलसीएम निकालना हो, क्या निकालना हो, एलसीएम, तो हम क्या करते हैं, जितनी भी संख्या ऊपर दी गई है ए सी ई जी, इन संख्या को तो हमें निकालना होता है एलसीएम, इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। और जितनी भी संख्याएं हमें बटे के रूप में दी गई है जैसे पी डी एफ एच, इन संख्याओं का निकालना हमें एचसीएफ, यानी ऊपर वाली संख्याओं का हमें लेस से निकालना है और नीचे वाली संख्याओं का हमें मै से निकालना है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वह 24/10, 16/15, 32/35 और 48/25, और एक दूसरा क्वेश्चन है हमारा 0.8, 1.2, 0.36, ये दोनों क्वेश्चन हमें निकालने हैं। और जो अभी मैंने कंसेप्ट बताया था आपको लैसे और मैसे, वही कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है भाई। इसका सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, मैंने आपको अभी बताया जो संख्या ऊपर दी गई है उसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। जैसे 24, 16, 32 और 48 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। 24, 16, 32, 48 का तो हमें एलसीएम निकालना है यहाँ पे, यानी लेस है। और जो नीचे संख्या दी गई है 10, 15, 35 और 25, इसका हमें यहाँ पे मै से निकालना है। अब किसी भी विधि से आप मै से और लै से निकाल सकते हो, क्योंकि मैं आपको सभी विधि सिखा चुका हूँ। सबसे पहले इसका लै से निकाल लेते हैं, तो लै से होगा, यानी यहाँ पे बता दूँ मैं आपको, 24, 16, 32,
48 का लेस है, यानी 2 की हाईएस्ट पावर जो होगी यहाँ पे 32 होगी, 32 यहाँ पे आ जाएगा, 16 भी 32 के अंदर ही आ चुका है, ये 8 से 3 बार कट जाएगा, 8 भी 32 के अंदर ही आ चुका है, ये 8 से 3 बार कट जाएगा, और ये 16 से 3 बार, और एक यहाँ पे 3 आ जाएगा। और अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर ले लो, यहाँ पे डिफरेंस मेथड से निकाल लो, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 5 है, 5 ही हमारा एचसीएफ है, क्योंकि ये 5 से सभी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और 32 की 3 में गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और 3 क्या 9 और बटे 5, यही हमारा आंसर होगा। अगर हमें किसी क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का तो लेस निकलेगा और नीचे वाली संख्या का मैसे, और अगर हमें किसी संख्या में एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकाल दो और नीचे वाली संख्या का एलसीएम। तो इसका एचसीएफ निकाल लो, किन्हीं भी दो संख्याओं का जो अंतर है मिनिमम वो ले लो, जैसे 16 और 8 का, जैसे 16 और 8 का, जैसे 16 और 24 का अंतर है 8, ये डिफरेंस मेथड से एचसीएफ निकाल रहे हैं हम, और 8 इन सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगी, 8 ही हमारा एचसीएफ होगा, और 10, 15, 35 और 25, 3 भी और 7 भी, तो 8 बटे इन सभी की गुणा कर देंगे, 25 दुनी 50, 75 और 75 की जैसे ही साथ में गुणा करेंगे तो 1050, यही हमारा आंसर है। बी पार्ट है, इस तरह कोई संख्या पॉइंट में दे दे और हमें लेस और मैसे निकालना हो तो हम इस सवाल को किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें इन पॉइंट को यहां से हटाना है, हम क्या करेंगे, 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी 0.8 है जिसे, तो 100 से हमने यहाँ गुणा और 100 से भाग, फिर यहाँ पे भी 1.2, 100 से ऊपर नीचे गुणा भाग, और 0.36, 100 से यहाँ भी ऊपर नीचे गुणा भाग। जैसे हम यहाँ से पॉइंट उठाओगे, 1 10 नीचे आएगा और इस 0 से 0 कट जाएगी, तो यहाँ पे 80/100 हो जाएगा, यहाँ पे 10 उठाने से 1 0 नीचे आएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, यहाँ 120/100 हो जाएगा, और यहाँ 2 0 नीचे आएगी क्योंकि यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, और ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी और यहाँ पे 36/100 हो जाएगा। अब हमें एलसीएम निकालना है इसका, हमारे पास जो संख्या है 80 120 36 और इन सभी के बटे में 100 100 है। अब हमें इसका तो एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाली संख्या को एलसीएम निकलेगा और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ, तो 80 120 और 36 का एलसीएम निकाल लेना, क्योंकि 2 की हाईएस्ट पावर होगी 16 5 80, और यहाँ पे और यू 8 से 15 बार कट जाएगा, और यू 4 से 9 बार कट जाएगा, क्योंकि 8 भी इसी के अंदर आ चुका है और 4 भी इसी के अंदर आ चुका है। अब हमें 5 की हाईएस्ट पावर लेनी है, यहाँ पे 5 और फिर 3 की हाईएस्ट पावर 9, 9 से कट गया 3, 3 से ही कट जाएगा 5 बार, और 5 और 100 इसके बटे में है, 100 इसके बटे में है, 100 इसके बटे में है, तो जो इसका एचसीएफ होगा वो होगा 100। तो इसकी गुणा कर लेते हैं, इसकी गुणा होगी 720/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, यानी 72/10, यानी 7.2, ये हमारा एलसीएम है। और अगर हमें एचसीएफ निकालना हो इसी संख्या का, अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हमें क्या करना होगा, ऊपर वाली संख्या का हमें मैसे निकालना होगा और नीचे वाली संख्या का लैसे, तो 80 120 और 36 का हमें एचसीएफ निकालना है, तो
किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर ले लो जहां पे कम से कम हो। तुम निकालना है तो किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर ले लो, जैसे 80 और 120 का अंतर ले लो। यहाँ पे 80 और 120 का अंतर 40 हो जाएगा, और 40 को मैं लिख सकता हूँ, या तो 40 ही हमारा एचएफ है, 40 से 80 कट जाएगा, 40 से 120 कट जाएगा, लेकिन 40 से 36 नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है जो डिफरेंस हमारा एचएफ नहीं है, लेकिन इसका कोई एक फैक्टर हमारा एचएफ होगा। इसे मैं 4 × 10 ऐसे करके लिख लेता हूँ, तो 10 से 80 कट जाएगा, 10 से 120 कट जाएगा, 10 से 36 नहीं कटेगा पूरा पूरा। तो 10 हमारा एच सी एफ नहीं है, हमारा एच सी एफ है 4। तो हमारा जो एच सी एफ है वो 4 है, और इसके बटे में 100, इसके बटे में 100, इसके बटे में 100, तो जो हमारा एलसीएम होगा वो होगा 100। तो जैसे ही हम 100 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 0.04, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हमें एक छोटा सा कंसेप्ट समझना होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो ए कोमा बी कोमा सी को भाग करने पर प्रत्येक दशा में आर शेषफल दे। यानी कोई संख्या है जो ए को बी को सी को जैसे ही हम भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में आर शेषफल बचेगा। तो जो संख्या होगी वह कैसे निकालनी हमें, वह संख्या बड़ी से बड़ी एचसीएफ निकालना होगा। और एचसीएफ हम कैसे निकाल लेंगे, जो भी हमारे पास संख्या होगी जैसे ए बी सी, उसमें से हमें शेषफल को घटा देना है। यानी पहली वाली संख्या में से हम शेषफल घटा देंगे, दूसरी वाली संख्या में से हम शेषफल घटा देंगे, और तीसरी वाली संख्या में से भी हम शेषफल घटा देंगे। तो जो हमारा एचसीएफ होगा, घटाने के बाद जो संख्या बचेगी हमारे पास, उसका जो एचसीएफ होगा वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई संख्या ले लेते हैं, एक संख्या हमने 67 ले ली यहाँ पे, एक संख्या हमने 77 ले ली, और एक संख्या हमने 87 ले ली। तो क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है कि ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो 67, 77, 87 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ये एग्जाम्पल मैंने अपने पास लिया है। यानी कोई 3 संख्या है आपके पास, सॉरी, ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 67, 77 और 87 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। यानी जो रिमाइंडर बचेगा, वो कितना बचेगा, 7। तो हम क्या करते हैं, यानी किसी संख्या से जब 67 को डिवाइड करेंगे तो वो 60 बार पूरा पूरा कट जाएगी, यानी शेषफल इसमें से कटा देंगे हम। जब किसी संख्या से 77 को डिवाइड करेंगे तो वो 70 बार पूरा पूरा कट जाएगी, 7 शेषफल हम इसमें से कटा देंगे। इस तरह जब 87 को किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो वो 80 बार पूरा पूरा कट जाएगी, और 7 इसमें से भी हम घटा देंगे। यानी हमें 7 इसमें से घटा देना है, 67 में से भी हम 7 घटा देंगे तो यहाँ पे 60 बचेगा, 77 में से भी हम 7 घटा देंगे यहाँ पे 70 बचेगा, और 87 में से भी हम 7 घटा देंगे यहाँ पे 80 बचेगा। अब जो संख्या हमारे पास यहाँ पर बची है 60, 70, 80, वह संख्या बड़ी से बड़ी, वह संख्या 60 को भी 70 को भी और 80 को भी पूरा पूरा विभाजित कर देगी। अब इसी का हमें एचसीएफ निकालना है। अब इसी संख्या का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। और एचसीएफ हमें कैसे निकालना है, डिफरेंस मेथड से निकालेंगे हम एचसीएफ। तो किन्हीं भी दो संख्या को जो अंतर है वो निकाल लो, तो 60 और 70 में जो अंतर है वो 10 है। तो यही हमारा एचसीएफ है, क्योंकि 10 से 60 भी पूरा पूरा कट जाएगा, 70 भी और 80 भी। तो जो हमारा एचसीएफ है तो वो हमारा
10 है और वह संख्या भी 10 ही है, क्योंकि कंसेप्ट में मैंने लिखा है यहाँ जो भी घटाने के बाद संख्या हमारे पास बचेगी उसी संख्या का हमें एचसीएफ निकालना है, और जो हमारा एचसीएफ होगा वही हमारी बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास 10 है, जो 67 को भाग देने पर 7 शेष बचेगा, 77 को भाग देने पर 7 शेष बचेगा, और 87 को भाग देने पर 7 शेष बचेगा। तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करे, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करे जिसे 556, 763 तथा 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। तो तीन संख्या हमारे पास और प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर कितना बचता है? 4। तो इस रिमाइंडर को हमें यहाँ से घटा लेना है, 4 यहाँ से घटा देंगे, 4 यहाँ से घटा देंगे और 4 यहाँ से घटा देंगे। अब हमारे पास जो संख्या बचेगी ये बचेगी 552, यहाँ पे बचेगा 769 और यहाँ पे बचेगा 345। अब हमें इन तीनों संख्याओं का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तीनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। और एचसीएफ हम निकालते हैं डिफरेंस मेथड से, क्योंकि यू सबसे बेस्ट तरीका है एचसीएफ निकालने का। तो किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर यहाँ पे हमें ले लेना है, जिन दो संख्याओं का अंतर कम से कम हो, जैसे 552 और 345 के बीच जो डिफरेंस है वो 207 का है। तो ये 207 है, ये हमारा एचसीएफ होगा अगर 207 इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है। तो 207 इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित नहीं करता, इस वजह से हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। इसके फैक्टर कर लिए हमने, इस 207 के फैक्टर कर लेते हैं 3 × 69, क्योंकि 69 या 207 होते हैं, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारा 69 है, जो हमारा बी ऑप्शन है और यही हमारा एचसीएफ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह अधिकतम संख्या क्या है? वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 797, 1085 तथा 1232 में भाग देने पर क्रमशः 16, 20, 25 शेष बचता है? तो ये संख्या हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो प्रत्येक स्थिति में भाग देने पर शेषफल जो बचता है वह 16, 20 और 25 बचता है, ये हमें इसमें से घटा लेना है। 16 माइनस कर लेते हैं यहाँ पे 20 माइनस कर लेते हैं और यहाँ पे 25 माइनस कर लेते हैं। अब घटाने के बाद जो संख्या हमारे पास बचेगी वो बचेगी 781, 1065 और 1207। अब इन तीनों संख्याओं का हमें एचसीएफ निकाल लेना है, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब किन्हीं भी दो संख्याओं का डिफरेंस ही हमारा एचसीएफ होगा, किन्हीं भी दो संख्याओं का डिफरेंस जहां पर डिफरेंस कम से कम हो, 1207 और 1065 का अंतर ले लेते हैं हम, 1207 और 1065 का अंतर ले लेते हैं, इसका जो अंतर होगा वो होगा 142। अब ये ही हमारा एचसीएफ होगा, लेकिन क्या 142 इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर देते हैं पूरा पूरा? नहीं, 142 से तीनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, इस वजह से 142 हमारा फैक्टर नहीं है, और ऑप्शन में भी एक कहीं पर 142 नहीं है, इस वजह से इसके फैक्टर कर लेते हैं 2 × 71, 2 × 71, 71 × 142 होता है। अब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वह है 71 और यही हमारा
HCF है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर चार, वह सबसे बड़ी नाप क्या है, वह सबसे बड़ी नाप क्या है जिसका उपयोग लंबाई 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को पूरा पूरा मापने के लिए किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये संख्या यहाँ पे लिख लेनी है, 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। इन सभी संख्याओं को हमें समान मात्रक में बदल लेना है, यानी मीटर की जगह 100 से यहाँ पे गुना कर देते हैं सेंटीमीटर में बदलने के लिए, 7 गुना 100, ये 700 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे हम 100 से गुना करेंगे, यानी 3 गुना 100 ये सेंटीमीटर में बदल गया, और 85 सेंटीमीटर ये हमारे पास ये हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। इसी तरह ये हो जाएगा 1295, यानी 12 गुना 100 और प्लस 95, यानी 1295 सेंटीमीटर। अब हमें किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर यहाँ पे लिख लेना है। अब 700 और 385 का जो डिफरेंस होगा वो होगा 315। यह तो हमारा 315 ही HCF होगा अगर 315 से ये तीनों संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाए, लेकिन 315 हमारे ऑप्शन में नहीं है और ये संख्या भी 315 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, इस वजह से ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं 3 गुना 3 गुना 105, 3 गुना 3 से भी ये संख्याएं पूर्णतः विभाजित नहीं होती। अब 105 के भी फैक्टर कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 3 गुना 35। अब 3 से तो ये संख्या पूरी पूरी विभाजित नहीं होती, अब 35 ही हमारा HCF है और यही हमारा आंसर होगा, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। एक नौकर को निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा गया, एक नौकर को निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा गया जिसके लिए उसे 3239 रुपये दिए जाना था। वह कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित रहा, यानी वो बंक मार गया, एवं उसे केवल 2923 रुपये दिया गया, यानी कुछ पैसे उसके काट लिए गए छुट्टी की वजह से। उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या है? तो ये संख्या हमें यहाँ पे लिख लेना है, यानी दो संख्या हमारे पास है 3239 और दूसरी संख्या हमारे पास 2923। अब इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस हमें यहाँ लिख लेना है, इन दोनों संख्या का जो डिफरेंस है वह है 316। अब यही हमारा HCF होगा, अब यही हमारा HCF होगा, लेकिन 316 तो हमारे ऑप्शन नहीं है। अब हमें इसके फैक्टर कर लेने हैं, अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे हम, मैं लिख लेता हूँ 4 गुना 79, 79 की हम 4 में गुना करेंगे तो 316 आएगा, 79 की हम 4 में गुना करेंगे तो 316 आएगा, 316। अब यही हमारा HCF है, यानी बी ऑप्शन हमारा सी है, यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है।